थाली पाली बनकर रहने लग जाता है। हर रोज जो घर में पहले भोजन बनता है, मेरे श्याम को भोग लगाने के बाद वो सबको खिलाया जाता है, सारे परिवार को। जाट को किसी काम से किसी गांव में जाना पड़ गया, आया नहीं, देरी हो गई, घर में खिचड़ी बनी बाजरे की और घर में भोली भाली लड़की कर्मावती, उसने सोचा आज तो श्याम जी को भोग नहीं लगा, और श्याम जी को भोग नहीं लगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, बहुत बड़ा कसूर हो जाएगा। उस भोली भाली लड़की का दिमाग काम कर गया और थाली भर के घर में बने हुए श्याम जी के मंदिर में लेकर गई। बोली, ओ श्याम, ओ खाटून रईस, ओ मेरे बाबा, खा ले, इस समय बलाई है ना, भूखा मर जाएगा, अब बगा नहीं पता कितने दिन में आए, कितने दिन में आए, खा ले आराम से। कैसे मेरे श्याम से शादी, सादगी में बात हो रही है, सीधी सादी बात हो रही है, सुनना जरा ध्यान से। I'm not afraid.
इतना प्रसाद नहीं है जो कहीं भी बांट दे, ये दिल देना है नेक जगह दो, हर एक जगह मत दो। कैसे कैसे कह रहे हैं?
साथ में भूखा मार देगी। लेकिन यहां भगवान ने कहा है सच्ची